Abi. याद है बेटा जब हमने पहली बार अपने कॉलेज में पी थी तो क्या क्या नाटक करे। याद है, याद है। शादी वादी की या नहीं की, वैसे शक्ल से तो लग रहा है कि अभी तक तुम्हारे। हाँ यार, अभी तक तो नहीं हुई। शक्ल भी तेरी बता रही है तो तुम्हारा। वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। अरे मेरी छोड़ यार, तू अपनी सुना। तेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, क्या हुआ उसका? बड़ी दर्द भरी कहानी है, सुन नहीं पाएगा। मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की इकलौती बेटी यानी कि मेरी पत्नी मुझे कुछ समझती नहीं थी अपने सामने। वो मुझे पति कम और नौकर ज्यादा समझती थी। मैंने बर्दाश्त की हद से ज्यादा हर चीज को बर्दाश्त किया, मगर एक दिन उसने मुझसे बहुत छोटी सी बात कही जो मुझे बहुत बड़ी लगी। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी दौलत पाने के लिए उससे शादी की। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने उसे तलाक दे दिया। तलाक। अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो ये छोटी सी बात हम दोनों के बीच जिंदगी भर एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती। मैंने उसे तलाक दे दिया। मगर मेरे यार, तू क्यों इतना उदास हो रहा है? अरे जब इतना सब कुछ होने पर मैं उदास नहीं हुआ तो तू क्यों उदास हो रहा है? अरे मुझे देख, कितना खुश हूं मैं, कितना खुश हूं मैं। कुछ दुनिया ने हमेशा गलत समझा, वही मेरी पत्नी ने भी गलत समझा, सबने मुझे गलत समझा भी। लेकिन वादा कर बेटा, तू मुझे कभी गलत नहीं समझेगा बेटा, तू मुझे कभी गलत नहीं समझेगा। अगर तूने मुझे गलत समझा बेटा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा बेटा। और कुछ महीनों के बाद गुड मॉर्निंग विक्रम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या? तुम्हें याद है पिछले महीने कंपनी के डायरेक्टर साहब थे? हाँ। वो तुम्हारे काम से बड़े खुश थे। अच्छा? मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। फिर तुम्हारा काम सचमुच अच्छा था तो मैंने भी तुम्हारी तारीफ कर दी उनसे। ये देखो, आज ही कंपनी का लेटर आया है। And you have been promoted as assistant project manager. Congratulations. Thank you, Sach. Sach. दर्द तेरे। क्यों? क्या हुआ? अब लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम चीफ इंजीनियर, तुम मेरे दोस्त, तुमने मेरी सिफारिश की, बस बन गया मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। विक्रम, लगता है मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि मैं हमेशा गलत समझा जाऊँ। बस ये एक बात मैं सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया को गलत समझता हूँ, दुनिया मुझे कभी गलत नहीं समझती।
और सचमुच उसे लोगों ने गलत समझा। उसकी इस तरक्की से दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर चलने लगे और एक दिन इन चलने वाले लोगों ने संजय के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे सबूत इकट्ठा करके मुझे दिखाए। सबूत इतने जीवंत थे कि मुझे विश्वास करना पड़ा और उसके बाद हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने हमें बुलाया। बंदा हाजिर, कहिए बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? बिहेव प्रॉपरली, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं और तुम मेरे असिस्टेंट। ये बात तू कह रहा है विक्रम? देख, अगर तू मजाक कर रहा हो तो मैं तुझे बता दूं कि ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक? मजाक तो तुमने किया मेरे विश्वास के साथ, एक घिनौना मजाक। मुझसे कुछ गलती हुई क्या? गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम जैसे मक्का आदमी पर विश्वास किया। तुम्हें असिस्टेंट इंजीनियर से असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया और तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। सिर्फ चंद सिक्कों की लालच में तुम घटिया क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हो। ये सब झूठ है विक्रम, गलत इल्जाम है मुझ पर। विक्रम, तुम मुझे फिर गलत समझ रहे हो। दुख तो इसी बात का है कि इस बार मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। सबूत है इसके मेरे पास। विक्रम, एक मिनट मेरी बात। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग And don't call me Vikram. I am your officer. इससे पहले कि ये नौबत आए मैं खुद ही यहाँ से रिजाइन दे दूंगा। समझ के रखा आप लोगों ने? अब की बार गलत नहीं समझा। तुम एक लालची इंसान हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ज़बान संभाल कर बात करो विक्रम, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। ज़बान तो उसके लिए संभाली जाती है जिसके लिए दिल में कुछ इज्जत हो, और तुम तो एक जलील इंसान हो। और आज तो मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि तुमने अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की बेटी से सचमुच दौलत की लालच में शादी की होगी। और यह भी कि तुमने उसे तलाक नहीं दिया होगा, उसने तुम्हें तलाक दिया होगा। और अब बोलो कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं। आप मुझे कैसे गलत समझ सकते हैं चीफ इंजीनियर साहब? आपने मुझे बिल्कुल ठीक समझा। मैं सचमुच एक बहुत जलील और गिरा हुआ इंसान हूं। आज मुझे यह भी विश्वास हो गया है कि दुनिया ने मुझे कभी गलत नहीं समझा। मैं ही दुनिया को गलत समझता। संजय के जाने के बाद मैंने शाम तक उस केस की पूरी जांच की तो पाया कि संजय बेकसूर था। गेस्ट हाउस पहुंचा।
मुझे माफ कर दे, मैं दूसरे को बताने को नहीं चाहता। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि तू बिल्कुल बेकसूर है। तुझे याद है मैंने एक दिन तुझसे कहा था, मुझे कोई गलत नहीं समझना, नहीं तो मैं जहर भर के बच जाऊंगा। ऑफिस से आने के बाद मैंने जहर खा। कैसी बात कर रहा है? मैं अभी यहाँ डॉक्टर को फोन करता हूँ। विक्रम, आज तुझे सच्चाई का पता चल गया है तो भी मैं जीना नहीं चाहता। हेलो डॉक्टर चड्डा, आप जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंचिए, जल्दी। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। संजय तू ठीक तो है ना? संजय, संजय तू ठीक है? विक्रम, मुझे सारी दुनिया ने गलत समझा, मेरी पत्नी ने गलत समझा, आज तूने भी मुझे गलत समझा, लेकिन विक्रम मैं अब चीजें नहीं चाहता। नहीं संजय, आज तूने मुझे गलत समझा विक्रम, लेकिन तुझे सच्चाई का पता चल गया। लेकिन विक्रम हो सकता है ना कल तू भी मुझे गलत समझे। नहीं विक्रम, लेकिन तुझे सच्चाई का पता ना चल पाए, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है विक्रम। कैसी बात कर रहा है? मेरे लिए नहीं है विक्रम, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं संजय, मैं नहीं संजय। संजय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। संजय तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। संजय उठ, एक बार फिर से बोल कि तू मुझे गलत समझ रहा है। संजय उठ, संजय एक बार फिर से बोल कि तू मुझे गलत समझ रहा है। संजय उठ, संजय एक बार फिर से बोल कि तू मुझे गलत समझ रहा है। पर वो नहीं बोला, फिर वो कभी नहीं बोला। सचमुच उसे कोई नहीं समझ सका, कोई भी नहीं।